अगले कॉलर हैं उमेश देवी जी, स्वागत है आपका। हेलो। हाँ जी बोलिए। अच्छा मैं जी पेट की तकलीफ है मुझे। जी, क्या तकलीफ है? मुझे एक तो फूला फूला पेट रहता है, गबजी रहती है और उल्टी का मन रहता है, वैसे खड़ा नहीं हो जाता, बहुत कमजोरी है। जी, जेब से कब? तकलीफ। हाँ जी, कब्ज रहता है, उल्टी का मन बहुत ज़्यादा होता है, कमज़ोरी बहुत ज़्यादा रहती है। ठीक है। सौंफ, धनिया, आंवला। सौंफ, धनिया, आंवला, मेथी 200-200 ग्राम लेकर पाउडर बनाएं, और इसमें नमक जैतून नाम से एक रसायन आता है, नमक जैतून, या रसायन जैतून भी कहते हैं या एस्टेक जैतून भी कहते हैं। ये 100 ग्राम इसमें मिलाएं और एक एक चम्मच सुबह शाम लिया करें, आपकी ये समस्या हल होना मुमकिन है। जी, बात करते हैं अगले कॉलर से। धनंजय हमारे साथ जुड़ गए हैं, स्वागत है आपका। जी धनंजय जी, कहाँ से बात कर रहे हैं? जी मैम, पटना बिहार से बात कर रहे हैं। ठीक है, सवाल क्या है? सवाल है मैम कि हमको कफ कफ जो होता है, कफ हमको जाम रहता है, कभी कभी बहुत ज्यादा प्रेशर से खखरने पर उजला उजला निकलता है जी मैम मुंह से। उम्र क्या है आपकी? जी उम्र मेरा 35 साल। 35 साल। जी 35। अच्छा, देखिए जो भी चीज़ खाया करें वो गर्म तबीयत की गर्म चीज़ खाया करें, ठंडी चीज़ें या खट्टी चीज़ें मत खाया करें। खट्टी चीज़ें मतलब अचार, नींबू, ये सब मत खाया करें, इससे भी बहुत फ़ायदा रहता है। और 35 साल आपकी उम्र है, बहुत कम उम्र है, अभी से इलाज कर लें। माजून आर केयर, माजून आर केयर, सुबह शाम एक एक चम्मच गर्म पानी से लें और खट्टी चीज़ें छोड़ दें तो आपको फ़ायदा मुमकिन है। अगर आप 4-5 महीने लगातार लेते हैं तो इस बीमारी से निजात मिलना मुमकिन है। अगले कॉलर हैं राघव सिंघल जी, स्वागत है आपका। यस सर। जी राघव जी, सवाल आपका। सर मेरी मम्मी के पैरों में बहुत दर्द रहता है, कितने सालों से? बहुत साल हो गए, कम से कम 4-5 साल। एज क्या है उनकी? 48 साल, फोर्टी एट ठीक। रघुपति राघव वाले रघु है ना ये? जी राघव। राघव, तो राघव साहब देखिए 3-4 महीने अपनी मम्मी का इलाज करें लगातार, और अगर घर में ये वेस्टर्न टॉयलेट ना हो, कुर्सी वाला, तो वो लगवाना आपकी जिम्मेदारी, क्योंकि आप चिंतित हैं अपनी मम्मी की तरफ से। वैसे तो होना चाहिए, आपके घर में ऐसा लगता है आपकी बातचीत से, नहीं है तो आपको लगवाना है, इससे भी बहुत राहत होती है। और या तो कैप्सूल टी केयर, टी फॉर टाइगर, कैप्सूल टी केयर सुबह शाम लें और नाश्ते और खाने के बाद बगैर चर्बी के दूध से पानी से देने की कोशिश करें। या अगर आपको असली गौंद स्याह मिल जाए, ये नकली बहुत मिलता है, जिसको मिल गया उसको फ़ायदा मुमकिन होता है, गौंद स्याह आधा ग्राम सुबह आधा ग्राम शाम, पानी से बगैर चर्बी के दूध से, शुगर नहीं है तो जूस से भी कभी दे सकते हैं, ऐसा नहीं है। 5-10 दिन वेट करें, 5 दिन बाद या 10 दिन बाद फ़ायदा शुरू होगा, इतना संयम होना चाहिए। और 2-4 महीने खिला के बंद करें ताकि ये दोबारा रोग ना हो सके। जी, पंजाब से अगले कॉलर रवि, स्वागत है रवि। हेलो। हेलो। हाँ जी, क्या नाम है आपका? जी मैं सुमन मालवीय बोल रही हूँ, बैतूल जिला से। जी सुमन जी, सवाल करिए अपना। जी मैडम, ये मेरी स्किन पे ना ऐसे वाइट दाग हो गए हैं। जी, आपकी एज क्या है? 46 है। सफ़ेद दाग की जी। प्रॉब्लम है। देखिए मालिया परिवार से हैं आप और सफ़ेद दाग हैं, सब्र वाला होना चाहिए आपको काफ़ी। इसका इलाज करते करते मरीज़ और डॉक्टर दोनों थक जाते हैं, इलाज तो होता है लेकिन 1-2 साल भी लग सकते हैं। देखिए एक दवा का नाम है बापची, ये खुशबूदार बीज होते हैं मेथी जैसे, देखने में काले होते हैं लेकिन मेथी से भी ज़्यादा खुशबू होती है इसमें,
100 ग्राम ले लीजिए बापची, मेथी के जैसे बीज होते हैं काले रंग, उन पर चढ़ावा होता है, ऐसे कर लो तो भूरे हो जाते हैं। 100 ग्राम बापची, 100 ग्राम अलसी और 100 ग्राम आपको लेनी है, 100 ग्राम अलसी, 100 ग्राम आंवला और 100 ग्राम गोंद मोरिंगा, इनको खूब बारीक पाउडर बनाएं। गोंद मोरिंगा सफ़ेद वाला लेना और 1 ग्राम रोज़ाना खाना है, शुरू में 1 ग्राम ही खाएं 2 महीने तक, उससे रिज़ल्ट आए तो बहुत अच्छा है, नहीं तो फिर अगले महीने से 1 ग्राम सुबह 1 ग्राम शाम खाना शुरू कर दें। और ये नुस्खा अगर 2-3 महीने में आपके दागों का रंग बदल दे तो समझ लीजिए आप ठीक हो जाएंगे पूरी तरह, ज़रा सा भी रंग बदले तो समझ लीजिए कि आपकी बीमारी जाना मुमकिन है। जी, अगले कॉलर जितेंद्र, स्वागत है आपका। जी नमस्कार। नमस्कार जितेंद्र जी, कहाँ से बात कर रहे हैं? जी हम रायपुर के मंडिया से बोल रहे हैं। ठीक है, आपका सवाल क्या है? जी मैं ये जानकारी लेना चाह रहा, मेरे ना गले में सूजन और कान के नीचे नस जो है उसके नीचे गांठ सी है हल्की सी, इस दवाई की बिल लेना चाह रही हूँ मैं जी, क्या आराम पड़ जाए? देखिए ये दोनों बीमारियों के लिए एक नुस्खा, लेकिन 4-5 महीने लें, इससे आपकी पूरे जिस्म में ताकत भर जाती है और आपके अंदर इम्यूनिटी पैदा हो जाती है, फिर ये सूजन गले की हो या खांसी हो या कफ हो या छींके हो या गांठें हो, इनमें बड़ी राहत होने लगती है। लेकिन 1 महीना मत लें, 4-5 महीने लें। माजून आर केयर 1 चम्मच सुबह 1 चम्मच शाम गर्म पानी से लें, और खट्टी चीज़ें कुछ दिन के लिए जब तक इलाज चल रहा है खाना बिल्कुल बंद कर दें। जी, नागपुर से रवि जुड़ गए हैं हमारे साथ, स्वागत है आपका। मेरे चेहरे पे बहुत फोड़ियां निकल रही हैं, उसका कुछ है इलाज? पिंपल्स हैं? हाँ पिंपल्स हैं मैम। आपकी एज क्या है? है? एज, उम्र क्या है? मेरी उम्र है 22 साल। इस उम्र में कुछ लोगों को निकलती है ये, अगर हम अपने खून की और पेट की सफाई रखें दवाओं के ज़रिए, उनकी गर्मी को कम कर दें, इस उम्र में बड़ी गर्मी होती है हमारे खून में और हमारे पेट में, तो हम ठीक हो सकते हैं। खून साफ करने वाली दवाएं इसमें काम करती हैं। कैप्सूल पी केयर, पी फोर पटना, कैप्सूल पी केयर सुबह शाम एक एक कैप्सूल लिया करें, और 1 महीने में फ़ायदा हो जाए 2-3 महीने लें, ताकि ये दाने निकलने का सिस्टम ही आपका खराब ख़त्म हो जाए। अगली कॉलर है मेघा, स्वागत है आपका मेघा जी। हेलो। हाँ जी बोलिए, सवाल करिए। जी मेरे सास को गठिया वाई की प्रॉब्लम है और बवासीर भी है, उसका इलाज चाहिए। बड़ी अच्छी बहू है भाई, सास के लिए परेशान है, ऐसे ही रहिए अपनी सास के साथ। अगर आप ये चाहते हैं कि आपकी बहू भी आपके साथ ऐसा ही व्यवहार करें तो अपनी सास के साथ अच्छा व्यवहार कीजिए। माफ़ कीजिए मुझे इस बारे में नहीं बोलना चाहिए, लेकिन मुझे बहुत अच्छा लगता है जब एक बहू अपनी सास के लिए फ़ोन करती है। आप देखिए समझ लीजिए नुस्खा, अगर आप समझ लें तभी बनाना, नहीं तो मैं दवा बता दूंगा। 500 ग्राम अलसी तकरीबन लेकर हल्का सा भून कर पाउडर बना के रख दें, और गौंद सियाह 100 ग्राम खरीद लें, गौंद सियाह 100 ग्राम खरीदना, अलग से पाउडर बना के रखें। गौंद सियाह नकली बहुत मिलता है, कड़वा बहुत होता है, और नकली ना लें, असली लेना है। 1 चम्मच अलसी सुबह खाएं, और 1 चुटकी या 2 चुटकी गौंद सियाह जो बड़ा कड़वा होता है इसमें मिलाकर खाएं, दिन में 2 बार ये खुराक ले सकते हैं। अगर असली मिल जाए गौंद सियाह तो आपकी सांस का गठिया बाई भी ठीक होना मुमकिन है। जी, यूपी से ही नेक्स्ट कॉलर है ममता जी, स्वागत है आपका। नमस्ते जी। नमस्कार जी ममता जी। डॉक्टर साहब हमारे टाइफाइड बुखार है काफी दिन से और सर्दी भी बनी रहती है। उम्र क्या है? 40 जी। टाइफाइड बुखार कहते हैं जब आंतों में गंदगी हो जाती है, और उनमें गंदगी की वजह से जो बुखार होता है उसे टाइफाइड कहते हैं। तो हम अपनी आंतों की सफाई रखें, अच्छा इलाज एलोपैथ में है टाइफाइड का। जब भी ये इलाज करें तो
तो फिर इलाज होने के बाद फिर ये टेस्ट कराए कि टाइफाइड बाकी तो नहीं रह गया। जिन जो लोग ये काम नहीं करते उनको बार बार टाइफाइड लौट आता है, ज़रा सा भी रह जाता है, ज़रा सी भी गंदगी रह जाती है, फिर वो मल्टीपल हो जाती है, मल्टीप्लाई हो जाती है। तो जब भी इलाज कराएं पूरा इलाज कराएं। और एक नुस्खा आप याद रखें कि जो इन्फेक्शन को दूर करता है, जब भी इलाज कराएं तो साथ में आप गौंद मोरिंगा सफ़ेद वाला, गौंद मोरिंगा सफ़ेद ले लें, रॉ मटेरियल 100-200 ग्राम, और आधा ग्राम रोज़ाना दूध में मिलाकर पी लिया करें, इससे भी आपको फ़ायदा मुमकिन है। जी एक बार फिर से पंजाब से रवि हमारे साथ जुड़ गए हैं, स्वागत है आपका। हेलो। हेलो जी रवि, सवाल करिए अपना। मैं पंजाब से बोल रहा हूँ, मेरे ना एक तो दर्दा बहुत होती हैं, लत्तों बहुत दर्दा करती हैं। ठीक है, पूरे शरीर में दर्द है? हाँ पूरे शरीर में भी और लत्तों में बहुत दर्द होती है, एक मुझे भूख नहीं लगती लातों में। जी लातों में। हेलो, एज बता दीजिए रवि पुजारी जी। रवि साहब एज बताएंगे? हाँ एज मेरी 58 साल। कितना? 55 साल। 55 साल। खूब ख्याल रखिए अपना, और टांगों में दर्द है ये उम्र में होता है, ये कोई बड़ी बीमारी नहीं यूनानी की नज़र में। बस आप 2-3 बातों का ख्याल रखें कि वज़न ना उठाएं कुछ दिन, और वेस्टर्न टॉयलेट ऐसा कुर्सी वाला टॉयलेट का यूज़ करें अपनी ज़रूरत के लिए, और कैप्सूल टी केयर, टी फॉर टाइगर, सुबह शाम नाश्ते और खाने के बाद बग़ैर चर्बी के दूध से, पानी से या जूस से लें, और अगर आपको 1 महीने में भी फ़ायदा हो जाए तो 3-4 महीने इलाज करें, ताकि ये दोबारा से आपका रोग वापस ना आ सके। आप वज़न उठाने का ज़रूर ख्याल रखें, कुछ दिन वज़न नहीं उठाएं, ये साइटिका शुरू हो गया आपको, आगे जाके बहुत तकलीफ दे सकता है, अभी से इलाज करना बेहतर है। चलिए बात करते हैं अगले कॉलर से, सोनिका हमारे साथ जुड़ गई हैं, स्वागत है आपका। नमस्कार मैम। हाँ जी नमस्कार, कहाँ से बात कर रही हैं? मैम मैं राजस्थान से बोल रही हूँ। ठीक है, आपका सवाल क्या है? मैम मैंने गौंद मोरिंगा मंगवाया था सर से, उधर से। ठीक है, और वो मुझे मिल गया, लेकिन वो जैसे ही मैंने खाना शुरू किया तो मुझे इतनी गर्मी हो गई ना, मुझे बंद करना पड़ा। अब मैं उसको खा नहीं पा रही। कैसा खाया आपने? मैंने एक चुटकी सुबह एक चुटकी शाम को जूस के साथ लेती थी, रात को दूध के साथ लेती थी, लेकिन मेरी ना मतलब मैं इतनी मेडिसिन खा चुकी हूँ पिछले 6 सालों से, मुझे कुछ भी गर्म खाते हीट हो जाती है अंदर। ठीक है बेटा। अरे बेटा ये गौंद मोरिंगा बहुत ठंडा है, थोड़ा सा रुक जाइए, फिर किसी दिन खा के देखना, पानी में मिलाकर खा के देखना, हो सकता है आपको इन चीज़ों के साथ खाने में परेशानी हो, तो एक चुटकी में लेकर पानी में मिलाइए और पी जाइए। दिमाग पर कुछ मत लीजिए, ये बहुत ठंडी चीज़ है, यानी इतनी ठंडी चीज़ है कि खट्टी चीज़ों से भी ज़्यादा ठंडी चीज़ है ये। आप एक ही चुटकी लें, आपकी चुटकी जितनी भी बड़ी है पानी में मिलाइए, एक बार और खा के देखिए। कभी कभी हमारे दिमाग में हो जाता है गर्म चीज़ें हमें नहीं चलती, गर्म चीज़ नहीं, लेकिन ये बहुत ठंडी है। एक गिलास पूरे पानी में मिलाना, पूरा बड़ा गिलास में, और आपको इसका तो जायका भी पता नहीं चलेगा, एक गिलास में अगर एक चुटकी डाला, ये शुरू करिए, बहुत ठंडी चीज़ है। चलिए छत्तीसगढ़ से अगले कॉलर हैं अनिल जी, स्वागत है आपका। जी मैम नमस्ते। नमस्कार मैम, मेरा नाम है अनिल पाटकर, मेरी श्रीमती जी है किरण पाटकर, उनकी एज है 30 साल की है। ठीक है, और उनको मेरे ख्याल से एक साइड का पैर ना, पैर और घुटना मतलब बहुत 4 महीना हो गया झनझनाने, मतलब ऐसा दर्द देने लगता है, जोड़ में दर्द रहता है जी। और एक साइड का शोल्डर भी दर्द दे रहा था, तो हमने एक वैद्यराज के पास गए थे, तो उन्होंने बताया कि साइंटिका या फिर वात रोग का ये लक्षण है ऐसे बताया, तो उनके पास हम दवाई लिए, तो वो बैद्यनाथ का दवाई वगैरह हम उनके दिए हैं, और उस दवाई का सेवन कर रहे हैं, तो हाथ का तो लगभग बहुत ठीक हो गया है, मतलब 75% ठीक हो गया है, 25 बचा है, लेकिन अब पैर में बहुत दर्द है मैम, और सोए रहते हैं ना, बैठे रहते हैं सोए रहते हैं तो दर्द नहीं देता है, ठीक है, अगर थोड़ा सा भी चल लेते हैं तो बहुत दर्द देता है, तो उसके लिए कुछ उपचार बताइए मैम। बिल्कुल। तो बेटे आपकी पत्नी क्या बहुत मेहनत करती है?
नहीं सर, ज्यादा मेहनत नहीं है सर। वजन तो नहीं उठाती? वजन वेट जो नहीं उठाती? नहीं 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 सर। अच्छा, वेस्टर्न टॉयलेट है आपके घर में ऐसा कुर्सी वाला? नहीं नहीं है वेस्टर्न टॉयलेट। अच्छा, वो लगवा लीजिए, बगैर दवा के भी ठीक अच्छा। हो सकते हैं अगर वो लगवा लें। ये कमर में साइटिका है और मोढ़े में फ्रोजन शोल्डर है, ये जब तक ठीक नहीं हो सकता जब तक वेस्टर्न टॉयलेट ना हो। और दवा तो आप कोई भी खाएं, और एक दवा बहुत अच्छी जिसे हम कहते हैं कैप्सूल टी केयर, टी फॉर टाइगर, कैप्सूल टी केयर सुबह शाम दिया करें, एक एक खाने के पश्चात दूसरे दें। और अगर मेहनत कुछ करती हैं जैसे पोंछा लगाने वाला काम या बहुत ज़्यादा ज़मीन में बैठ के कपड़े धोने वाला काम, तो कुछ दिन के लिए रोक दें, वज़न नहीं उठाएं, वेस्टर्न टॉयलेट का इस्तेमाल करें, तो आपका ठीक होना मुमकिन है।